हेलो, वेलकम टू द प्रभु फार्मेसी एकेडमी। माय सेल्फ धर्मेंद्र कनौजिया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पोसोलॉजी। पोसोलॉजी क्या होता है? पोसोलॉजी मतलब क्या होता है कि स्टडी ऑफ डोज कैलकुलेशन इज कॉल्ड पोसोलॉजी। क्योंकि जो भी ड्रग्स मार्केट में अवेलेबल है, वो भी ऐसे ही किसी को नहीं दे देते हैं। उसके लिए कुछ कैलकुलेशन रहता है। क्या रहता है? कुछ कैलकुलेशन रहता है, कुछ नॉर्म्स रहता है। जैसे चाइल्ड को क्या देते हैं, फिर वुमेन लोग को क्या देते हैं, मेन को क्या देते हैं, फिर जिसका कोई एज हो गया है, एजेड पेशेंट है, उनको कौन सा ड्रग्स देंगे, कितना डोज रहेगा उनको, ये डिपेंड करता है। तो कुछ फैक्टर्स हैं तो हम लोग उसको देखने वाले हैं। फैक्टर अफेक्टिंग पहला कौन सा है? एज है। एज में क्या होता है कि जैसे हर एक को हम लोग एक सेम ड्रग्स नहीं दे सकते हैं। जिसका कुछ ऐसे, अगर बच्चे हैं और कोई ओल्ड एज पेशेंट है, उनका लगभग डोज का, उनका जो भी डोज रहता है, लगभग दोनों लोग का सेम रहता है, चाइल्ड का और ओल्ड एज का। क्योंकि चाइल्ड जो रहता है, उनके अंदर पूरा ऑर्गन्स डेवलप नहीं होते हैं, और जो ओल्ड एज वाले हो जाते हैं, उनके अंदर ऑर्गन सही से काम नहीं करते हैं। इनके लिए उनका डोज और चाइल्ड का डोज अप्रॉक्सीमेटली सेम रहता है। सेम रहता है क्या? जो कंपेयर टू अडल्ट रहते हैं, उनसे कम डोज रहता है। अगर हम लोग इसको अगर लिखते हैं तो कैसा रहेगा? चाइल्ड एंड ओल्ड पेशेंट, चाइल्ड एंड ओल्ड पेशेंट रिक्वायर लेस डोज कंपेयर टू अडल्ट डोज। इसका मतलब क्या है? जो चाइल्ड और ओल्ड एज के जो पेशेंट हैं, उनको जो अडल्ट डोज है, उनसे थोड़ा कम डोज रिक्वायर रहता है। क्योंकि जो चाइल्ड रहते हैं, उनका 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 क्या रहता है, ऑर्गन अनडेवलप रहते हैं, फुल्ली डेवलप नहीं रहते हैं। और इन ओल्ड पेशेंट, इनका जो ऑर्गन रहता है, थोड़ा डैमेज हुआ रहता है, डैमेज या प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। इतना क्लियर हुआ? ओल्ड एज और जो चाइल्ड है, उनको उनका डोज अडल्ट डोज से कम रहता है। ये क्लियर है? हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या देखते हैं? दूसरा सेक्स, जेंडर। जो फीमेल्स रहते हैं, उनका डोज क्या रहता है कि मेल डोज से कम रहता है। जो फीमेल रहते हैं, उनका मेल डोज से उनका डोज कम रहता है। फीमेल डोज आर लेसर डोज देन मेल। फीमेल का जो डोज रहेगा, वो मेल डोज से थोड़ा सा कम रहेगा। रीज़न क्या रहता है? क्योंकि इनको मेंस्ट्रुअल साइकिल होते रहता है, और कुछ उनको प्रेगनेंसी का कुछ प्रॉब्लम, प्रेगनेंसी भी हो सकती है, या मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है, तो उस टाइम पे उनका डोज थोड़ा ऊपर नीचे होता है। और मेन रीज़न क्या होता है पता है? कि जो अपने जो उनके हार्मोन्स रहते हैं, लेडीज़ में जो हार्मोन्स रहते हैं, इस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन, वो क्या करते हैं पता है? इन पे
उल्टा इफेक्ट करने लगते हैं, उन पे उल्टा असर करने लगते हैं, जिसकी वजह से इनका डोज जो रहता है मेल डोज से थोड़ा सा कम रहता है। कौन कौन से दो हॉर्मोन्स रहते हैं? इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। इनकी वजह से ही जो फीमेल का डोज रहता है वो अडल्ट डोज से कम रहता है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। दो हुआ, पहला वाला में क्या था? पहला वाला में ये था कि अडल्ट डोज वो जो बूढ़े पेशेंट हैं, ओल्ड एज पेशेंट हैं, और चाइल्ड में उनका डोज अडल्ट से कम रहता है, और सेक्स में क्या देखते हैं कि जो फीमेल का डोज है वो मेल के डोज से कम रहता है। थर्ड देखते हैं, बॉडी वेट। क्योंकि देखो अभी नॉर्मल जो पेशेंट रहते हैं, हर एक ये मेडिसिन्स हैं, फॉर एग्जांपल मेडिसिन है कौन सा? पैरासीटामोल मेडिसिन है। ये कैसा है कि अगर 250 mg है, फॉर एग्जांपल 250 mg है, तो इसको कितना बिलो 30 इयर्स का जो पेशेंट रहेगा उसको देंगे, और 30 kg का पेशेंट रहेगा उसको, और जो 500 mg मेडिसिन है उसको किसको देंगे? बिलो 50 kg एंड 650 mg अबव 50 kg। क्योंकि कैसा, ये अभी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है ना कि ये जो पेशेंट है 30 kg का, ये तो 30 साल का भी हो सकता है, ये 30 इयर्स का भी हो सकता है, और ये वाला जो है ये लड़का भी हो सकता है, 15-16 साल का भी लड़का हो सकता है। तो जो जिनका बॉडी वेट ज़्यादा रहता है, बॉडी वेट का जो जिनका ज़्यादा रहता है उनको नॉर्मल से ज़्यादा का डोजेज लगता है। इसको अगर लिखेंगे तो कैसा रहेगा? ओबेस पर्सन रिक्वायर मोर डोज ऑफ ड्रग कंपेयर टू नॉर्मल। क्योंकि जो मोटे रहेंगे उनको उनको क्या लगेगा? नॉर्मल पर्सन से जो नॉर्मल रहेंगे उनसे कितना डोज ज़्यादा लगेगा। इतना समझ में आया? जो नॉर्मल रहेंगे उनसे ज़्यादा जो मोटे रहेंगे उनको डोज लगता है। इतना क्लियर हुआ? अभी आगे देखते हैं दूसरा फैक्टर, फोर्थ में क्या है? रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता पता है? जो भी आईवी ड्रग्स लेते हैं उनका डोज जो रहता है वो जो वैसे डोज रहते हैं
जो टैबलेट्स या सिरप में रहते हैं उनके डोज से इसका डोज कम रहता है, क्योंकि क्या होता है जो आईवी से लेते हैं ना उनका बायो अवेलेबिलिटी 100% होता है। कितना बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है? बायो अवेलेबिलिटी कितना? 100% होता है, क्योंकि ये क्या होता है पता है, डायरेक्टली गोस इनटू ब्लड, ये डायरेक्टली क्या करते हैं ब्लड में जाते हैं। और अगर हम लोग अगर टैबलेट फॉर्म में लेंगे, अगर टैबलेट फॉर्म में लेते हैं तो क्या होता है इसोफेगस में जाएगा, फिर उसके बाद स्टमक में जाएगा, फिर इंटेस्टाइन में जाएगा। जब इंटेस्टाइन में जाने के बाद फिर उसका एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन होने के बाद उसका जो डोज रहेगा वो ऑलरेडी कम हो जाएगा। अगर 10 mg लिए थे तो वो 1 mg 2 mg ही उस अंदर जाएगा, लेकिन इसका जो रहेगा ये डायरेक्टली ब्लड के स्ट्रीम में जाएगा। तो इसका क्या रहेगा, बायो अवेलेबिलिटी 100% रहता है। तो अगर किसी भी पेशेंट को जल्दी से रिलीफ चाहिए, हाँ क्विक रिलीफ है, क्विक रिलीफ चाहिए, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, इंजेक्शन देते हैं। क्या करते हैं? इंजेक्शन देते हैं। मेन रीजन यही है, इंजेक्शन देते हैं। किसी को अगर ज़्यादा चोट लग गई है, फ्रैक्चर हुआ है, तो उसको डायना पर इंजेक्शन दे देंगे। तो इससे क्या होगा कि उसका मेडिसिन देंगे तो मेडिसिन हाफ हाफ एन आवर 1 घंटे बाद वो भी कम रिलीफ होगा। इंजेक्शन दे दिया, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में गया और एक्शन स्टार्ट हो गया उसका। अभी आगे देखते हैं। हम लोग कौन सा चार पढ़े, चार चार कौन सा एज, कौन एज में जो चाइल्ड और ओल्ड एज पेशेंट रहेंगे उनको लोअर डोज से नॉर्मल डोज से कम डोज लगता है, और सेक्स में जो फीमेल को मेल डोज से कम लगता है। बॉडी वेट जो मोटे लोग रहते हैं उनका नॉर्मल जो पेशेंट नॉर्मल जो रहते हैं पेशेंट उनसे मोटे जो पेशेंट रहेंगे उनमें ज़्यादा डोज लगता है। रूट और एडमिनिस्ट्रेशन आईवी से अगर देते हैं तो अच्छा और जल्दी से रिजल्ट आता है, और कम डोज देना पड़ता है। आगे देखते हैं फिफ्थ। टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ ड्रग क्या होते हैं पता है, कुछ ड्रग को ना कुछ ड्रग को एम्प्टी स्टमक लेते हैं, और कुछ ड्रग को फुल स्टमक। एम्प्टी स्टमक कौन कौन से लेते हैं? जो पीपीआई रहते हैं, जो गैस की दवा रहती है, उसको हम लोग एम्प्टी स्टमक लेते हैं, और जो भी पेन किलर रहता है उसको फुल स्टमक के बाद लेते हैं, क्योंकि खाना खाने के आधा घंटा पहले हम लोग पीपीआई लेते हैं, और उसके बाद नॉर्मल जो मेडिसिन पेन किलर हो गया और भी जो कुछ मेडिसिन हो गई तो उनको हम लोग खाना खाने के बाद लेते हैं। टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, नेक्स्ट देखते हैं सिक्स। सिक्स कौन सा है? कुछ मेडिसिन क्या होता पता है, कुछ मेडिसिन को लेने के बाद उसको सोना ही पड़ता है, कुछ मेडिसिन को लेने के बाद उसको सोना ही पड़ता है। बेड टाइम जब रहेगा उस टाइम पे उसका इफेक्ट ज़्यादा अच्छा रहता है। जैसे कोई भी स्टैटिन लेते हैं, आज अटोरवा स्टैटिन, रोजवा स्टैटिन, ये सब लेने के बाद हमेशा इंसान को सोना ही पड़ता है। जो भी स्टैटिन लेंगे, स्टैटिन मेडिसिन प्रिफर एट बेड टाइम, स्टैटिन मेडिसिन प्रिफर एट बेड टाइम,
इतना समझ में आया? क्योंकि जब बेड टाइम में लेते हैं ना तो उसका जो इफेक्ट रहता है ना वो मैक्सिमम रहता है, मैक्सिमम इफेक्ट ड्यूरिंग बेड टाइम। क्योंकि कोई भी अगर सर्दी जुकाम भी हुआ है तो जो भी कुछ उसमें जो मेडिसिन लेंगे हाँ, तो उसके बाद वो जो भी एलर्जिक मेडिसिन लेते हैं उसको भी लेने के बाद सोना ही पड़ता है, क्योंकि उसको लेने के बाद ऑटोमेटिक फिर नींद आती भी है। तो इसके लिए बेड टाइम पे लेते हैं उसको भी, स्टैटिन और एलर्जिक मेडिसिन जितना भी रहेगा वो सब बेड टाइम में लेते हैं, इससे उसका जो इफेक्ट रहेगा वो लॉन्ग टाइम के लिए और अच्छा इफेक्ट आता है। सेवन देखते हैं, सॉरी इमोशनल फैक्टर। इमोशनल फैक्टर में क्या होता पता है? कुछ कुछ में कुछ पेशेंट ऐसे हो जाते हैं ना, उनको क्या होता है कि ऐसा इमोशनली हो जाते हैं कि अगर उनको हेडेक हुआ तो मुझे यही मेडिसिन अगर लूँगा मैं तभी मेरा आराम होगा, यही मेडिसिन अगर मैं लूँगा तभी मुझे आराम होगा। कुछ किसी किसी को वो हुआ भी नहीं रहेगा तो भी अगर उनको अगर दे देंगे, अगर कुछ भी नॉर्मली चीज़ गांव में क्या होता था कि जाते थे बाहर से ऐसा वो राख लेके आते थे, किसी को बुखार आ गया वो हकीम बाबा ये सब रहते थे तो वो लोग क्या करते थे एक पुड़ियम बना के देते थे, ला के खाते थे वो ठीक हो जाते थे। वो होता कुछ नहीं था, वो साइकोलॉजिकल उनको था कि जब मैं मेडिसिन या इनका ये चीज़ खाऊंगा तब मैं ठीक हो जाऊंगा। तो एक मेडिसिन में क्या होता पता है? एक प्लासेबो होता है। प्लासेबो में क्या होता है, ऐसा उनको मेडिसिन दिया जाता है लेकिन उसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है उसमें वो नहीं रहता है, लेकिन उनको मेडिसिन दिया जाता है लेकिन उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स नहीं रहता है। और जैसे ही पेशेंट लेता है उसको ऐसा हम साइकोलॉजिकली क्या होता है कि अब मैंने मेडिसिन ले लिया है तो मुझे ये चीज़ ठीक हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक वो थोड़े टाइम बाद ठीक हो जाता है। क्या साइकोलॉजिकल होता है, इमोशनल इमोशनल फैक्टर इसको बोलते हैं। अभी 8 देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ डिजीज। प्रेजेंस ऑफ डिजीज इसमें क्या होता पता है? जो भी किडनी और लीवर के जो भी किडनी और लीवर के जो भी डिजीज के जो पेशेंट रहेंगे, किडनी और लीवर डिजीज के जो पेशेंट रहेंगे उनका डोज क्या रहेगा? थोड़ा सा कम रहेगा। किडनी एंड लीवर डिजीज पेशेंट पेशेंट रिक्वायर लेस डोज एज कंपेयर्ड टू नॉर्मल। क्या होता है, किडनी और लीवर के जो भी डिजीज रहते हैं उनको नॉर्मल जो भी डोज रहता है उससे हल्का सा थोड़ा सा कम दिया जाता है। रीज़न ये रहता है कि क्योंकि किडनी अभी ऑलरेडी डिफेक्ट है और लीवर भी डिफेक्ट है, तो इसका क्या होगा कि जो भी फिल्ट्रेशन होगा फिल्ट्रेशन बराबर से नहीं होगा और इसका एब्जॉर्प्शन बराबर से नहीं होगा, तो क्या होगा धीरे 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 ये भी खराब, दोनों दोनों खराब होने लगेंगे। इसके लिए इसका डोज थोड़ा सा कम देते हैं, किडनी और अगर लीवर के डिजीज अगर रहेंगे दोनों तो इनका जो डोज रहेगा वो हल्का सा कम देते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल डोज। इतना क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। कुछ क्या होता है, कुछ टर्म्स हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि टर्म्स देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
पहले एक बार रिवाइज कर लो, एज क्या है, एज में क्या होता है कि जो चाइल्ड और जो ओल्ड एज के पेशेंट है उनका जो डोज रहेगा एज कम्पेयर टू अडल्ट डोज से कम रहेगा, जो फीमेल का रहेगा मेल के डोज से कम रहेगा, जो ओबेस पेशेंट रहेंगे उनका नॉर्मल पेशेंट से ज़्यादा डोज रहेगा, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो आईवी डोज रहेगा वो उसका वो 100% बायो अवेलेबिलिटी होता है और वो उसका डोज भी कम रहता है। टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बेड टाइम में जो भी देना रहता है वो बेड टाइम में देते हैं क्योंकि बेड टाइम में उसका इफेक्ट ज़्यादा अच्छा रहता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या होता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर किसी किसी को नहीं सॉरी टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसी कोई 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 मेडिसिन क्या खाली पेट देते हैं, कोई कोई मेडिसिन खाने के बाद देते हैं, जो पीपीआई रहता है उसको खाने के पहले, देखो डॉक्टर के पास जाते हैं बुखार हो गया ये हो गया तो फिर उसके बाद 2-3 दवा देगा, बोलेगा ये दवा खाना खाने से आधा घंटा बाद खाना, फिर खाना ना खा के आधे फिर उसके बाद ये दवा सब खाना बाकी का। इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या होता है कि बेड टाइम में वो उस मेडिसिन को अगर देते हैं तब वो ज़्यादा उसका इफेक्ट रहता है। इमोशनल फैक्टर किसी किसी को चीज़ को ऐसा रहता है कि मैं अगर मुझे ये चीज़ हुआ है तो मैं अगर ये मेडिसिन लूँगा तभी ठीक होऊंगा नहीं तो नहीं ठीक होऊंगा। प्रेजेंस ऑफ डिजीज में क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ डिजीज में जैसे किडनी और लीवर के ऐसे कुछ डिजीज हैं तो उस टाइम पे जो डोज है वो एज कम्पेयर टू नॉर्मल डोज से कम रहते हैं। अभी हम लोग आगे का कुछ जो टर्मिनोलॉजी वो पढ़ लेते हैं। ये टर्मिनोलॉजी देखो 2 मार्क्स का पूछता भी है तो इसके लिए इसको याद करो। पहला क्या है, एडिटिव इफेक्ट। एडिटिव इफेक्ट का मतलब क्या होता है पता है, जब एक और एक ड्रग दोनों मिला के अगर लेते हैं तो साथ में रिएक्ट करता है, साथ में एक्शन करता है, एक ही एक्शन करता है, एक साथ में एक एक्शन करता है उतने टाइम के लिए, टाइम ऑफ एक्शन। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल लिया, जैसे मैंने A1 + 1 = 2, हाँ इसको अगर लिखेंगे एक्शन ऑफ 2 drug are added, एक्शन ऑफ 2 drug are added, अगर इसका एग्जाम्पल लेते हैं एड्रेनालिन प्लस थियोफाइलिन इन अस्थमा, अस्थमा में एड्रेनालिन और थियोफाइलिन लेते हैं, समझ रहे हो, एक और एक ड्रग को लेंगे तो उसका जो जो जो, जो रिएक्शन होगा उसको एडिटिव बोलते हैं, एक ही टाइम में होता है ऐसा। अब दूसरा देखते हैं, सिनर्जिज्म। इसमें इसमें क्या होता पता है, जो भी दो दो ड्रग को लेंगे, जो भी दो ड्रग को लेंगे उसका 1 + 1 = 2 होना चाहिए, 1 + 1 = 2 से और ज़्यादा होता है एक्शन, समझ रहे हो, जो इसका इफेक्ट है ना वो एक और एक 2 होता है, 2 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अगर बोलोगे ऐसा तो जो एडिटिव इफेक्ट है सिनर्जिज्म का इफेक्ट एडिटिव इफेक्ट से थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, समझे, मोर देन एडिटिव, मोर देन एडिटिव इफेक्ट, इतना समझ में आया। इसका अगर एग्जांपल देखते हैं एड्रेनालिन, एग्जांपल देखो लिखना बहुत जरूरी है नहीं तो फिर मार्क्स नहीं देंगे वो लोग। एड्रेनालिन और लिडोकेन, एड्रेनालिन और लिडोकेन को यूज करते हैं तो इसका इफेक्ट और ज़्यादा टाइम तक हो जाता है, और ज़्यादा टाइम हुआ मतलब एनेस्थेटिक करना रहेगा तो एनेस्थेटिक में इसका यूज करते हैं लिडोकेन का, लिडोकेन हमेशा एनेस्थेटिक में यूज होता है तो इसको एनेस्थेटिक में यूज करते हैं, इतना समझ में आया।
अभी हम लोग आगे देखते हैं तीसरा टर्मिनोलॉजी। एंटागोनिज्म, कौन सा? एंटागोनिज्म। इसमें क्या होता बताएं, एक और एक दो ड्रग को अगर साथ में लेते हैं तो इसका जो एक्शन रहेगा वो दो से कम हो जाएगा। इसका क्या था, एक और एक लेंगे दो हो रहा है, एक और एक लेंगे तो दो से ज़्यादा हो जाएगा, और एक और एक लेंगे तो दो से कम हो जाएगा। समझ रहे हो, एक और एक लेंगे तो ये कम हो जाएगा। एग्जाम्पल इसका अगर लेते हैं तो एड्रेनालिन प्लस एसिटाइल कोलिन, एड्रेनालिन और एसिटाइल कोलिन। इतना समझ में आया, एक और एक लेंगे तो दो दो हुआ, एक और एक लेंगे दो से ज़्यादा हुआ, एक और एक लेंगे तो दो से और कम हो जाएगा। ऐसा तीन हुआ तो तीन टर्मिनोलॉजी। अच्छा चौथा देखते हैं, छः है हम लोग, चौथा देखते हैं इडियोसिंक्रेसी। इडियोसिंक्रेसी, इडियोसिंक्रेसी में क्या होता बताएं, कुछ ना अगर जैसे मेडिसिन मैंने दिया, किसी को मेडिसिन दिया, किसी को एलर्जी चालू हो जाती है, जबकि वो अगर नॉर्मल पेशेंट को अगर मैं मेडिसिन दूंगा तो उसको एलर्जी नहीं होगी, लेकिन अगर मैं किसी और पेशेंट को दूंगा, किसी किसी को एलर्जी होता है, वो जेनेटिकली रहता है। तो मैंने अगर किसी को मेडिसिन दिया, पैरासीटामोल दिया, तो उसको एलर्जी चालू हो जाएगा, फिर उसको और ही कुछ चालू हो जाएगा। ये कैसा हो जाता है, जेनेटिकली जेनेटिकली गिवन एडवर्स एडवर्स इफेक्ट, जेनेटिकली गिवन एडवर्स इफेक्ट, मतलब उससे पूरा अलग ही हो जाता है। समझ रहे हो, क्योंकि कैसा होता है, बारबिट्यूरेट्स के क्या होते हैं बताएं, बारबिट्यूरेट्स को ना सीएनएस डिप्रेजेंट्स में देते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता बताएं, इसको एक्साइटमेंट पे भी ये किसी किसी का एक्साइटमेंट होने लगता है। इसको दिए किसके लिए, सीएनएस डिप्रेजेंट्स, लेकिन किसी किसी को, कुछ पेशेंट में ऐसा होने लगेगा कि किसी किसी को एक्साइटमेंट होने लगता है, ऐसा होता है। फिफ्थ देखते हैं, टोटल सिक्स है, टॉलरेंस। इसमें क्या होता बताएं, ये नॉर्म, इसमें ये समझ लो कि कोई भी एक इंसान है जो अभी अगर वो मेडिसिन 250 mg का ले रहा है, आज ले रहा है, कल ले रहा है, परसों ले रहा है, ऐसे साल भर तक लिया, दो साल तक लिया, तो उसका जो डोज है ना 250 नहीं रहेगा, फिर उसका डोज 300 हो जाएगा, 350 mg हो जाएगा, फिर धीरे 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 कैसा उसका डोज बढ़ते जाएगा। जैसे अभी ये जो दारू पीते हैं उनका ही देख लो, कुछ लोग अल्कोहल कैसा नॉर्मली लेंगे, नॉर्मली लिए, नॉर्मली लेने के बाद फिर उसके बाद पहले थोड़ा सा लेंगे 30 ml, फिर से 60 ml, फिर से 90 ml, फिर उनको कैसा फिर 30 में कुछ नहीं होता है, फिर 60 में कुछ नहीं होता है, फिर 90 में कुछ नहीं होता, फिर धीरे 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 उनका लेवल बढ़ता जाता है, मतलब वो टॉलरेंस जाते हैं, मतलब उतने भी उनको कुछ होता ही नहीं है। इतना समझे, अभी स्टिक्स देखते हैं। टैकीफिलेक्सिस, इसका मतलब क्या होता है पता है, ये ना जो टॉलरेंस का होता है ना, टॉलरेंस को एकदम वो लोग एक्सेप्ट कर लिए रहते हैं, अब टॉलरेंस उनके कुछ भी दो वो टॉलरेट कर लेंगे, कुछ भी दो उनको उस चीज में वो टॉलरेंट कर लेंगे। इसका अगर ऐसे अगर मीनिंग देखोगे तो देखो, ऐसे इट मीन्स कंप्लीट डेवलपमेंट
ऑफ टॉलरेंस। इट मीन्स कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस। इतना समझे? एडिटिव का क्या है, 1+1 देंगे तो 2, 1+1 देंगे तो 2 से ज़्यादा, 1+1 देंगे तो 2 से और कम हो जाएगा। ईडीएस में मतलब क्या होता है पता है, जैसे दिए उनको अलग ही चीज़ होने लगा, किसी को खुजली होने लगेगा, किसी को पूरा पूरा फेस उस पर ऐसा पूरा स्किन पर रैशेस आ जाएंगे, वो अलग इफेक्ट होने लगेगा। टॉलरेंस मतलब उनकी जो लिमिट रहती है लिमिट को भी क्रॉस कर लेते हैं। फिट टैकी फैलेक्सिस मतलब क्या होता है, इट मीन्स कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस, मतलब धीरे धीरे वो पूरा उस पर डेवलप हो जाते हैं ऐसा। अभी हम लोग इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं, देखिए डोज का कैलकुलेशन देख लेते हैं। डोज का कैलकुलेशन देखो, 2 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार सूटिक्स में डोज का कैलकुलेशन पूछता ही है। ये वेट पे भी रहता है और एज पे भी डिपेंड करता है डोज का कैलकुलेशन। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, इसका डेफिनेशन पढ़ा, डेफिनेशन के बाद हम लोगों ने पढ़ा फैक्टर फैक्टिंग। फैक्टर फैक्टिंग कितना था, 8। और फिर इसके बाद हम लोग इसका टर्मिनोलॉजी देखे, टर्मिनोलॉजी मतलब इसका इफेक्ट कैसा होता है। फिर उसके बाद हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं डोज कैसे हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं, करते हैं। क्या देखने वाले हैं, डोज कैलकुलेशन, डोज कैलकुलेशन, डोज कैलकुलेशन। देखो पहला, पहले लोग पहला देख लेते हैं, फ्राइड फॉर्मूला। कौन सा फ्राइड फॉर्मूला, इसका इसका सिम इसका क्या है पता है, ये ना हमेशा जो इन्फंट रहते हैं ना उनमें यूज करते हैं। किसमें, इन्फंट, जो बच्चे अभी एकदम छोटे हैं, इन्फेंट हैं, उनमें ये फॉर्मूला यूज करते हैं। फ्राइड फॉर्मूला पूछेगा कि किसमें यूज करते हैं, इन्फेंट में। इसको इसको कैसे करते हैं, इन्फेंट डोज एज इन मंथ डिवाइडेड बाय 150 इंटू अडल्ट डोज। इतना समझ में आया, इन्फेंट डोज कैसे करेंगे, जो इन्फेंट का डोज मंथ रहेगा कि कितने साल कितने महीने का है, अगर साल का है तो फिर वो कितने साल का है तो उसको इंटू 12 कर देंगे, वो मंथ निकालेंगे, मंथ निकालेंगे डिवाइड बाई 150, फिर अडल्ट डोज जो भी है उसको उससे इंटू कर देंगे, फिर जो टोटल आएगा वो उसका इन्फंट का डोज हो जाएगा। फिर दूसरा कौन सा है, यंग्स फॉर्मूला। यंग्स सही नाम से समझ में आ रहा है, क्या है यंग्स फॉर्मूला। फिर 4 से जो भी 12 साल के रहते हैं उनका कैलकुलेशन, उनको अगर डोज देना है तो कैसे करेंगे, चाइल्ड डोज इक्वल्स टू एज इन ईयर डिवाइडेड बाय एज प्लस 12 इनटू अडल्ट डोज। इतना समझ में आया, यंग्स फॉर्मूला क्या होता है, 4 से 12 साल के जो भी हैं बच्चे उनके चाइल्ड डोज बोलते हैं उनका, एज इन ईयर एज प्लस 12 इंटू अडल्ट डोज, इंटू अडल्ट डोज। इतना हुआ, हम लोग तीसरा देखते हैं, थर्ड डायलिंग फॉर्मूला। ये किसमें, जो 12 से
ये 12 तक हो गया, 12 से जो भी 20 साल के बच्चे हैं उनके लिए इसका कैसे निकालते हैं, चाइल्ड डोज इक्वल्स टू एज इन ईयर डिवाइडेड बाय 20 इनटू अडल्ट डोज। अडल्ट डोज इतना समझ गए, डीलिंग फॉर्मूला क्या है, 12 से 20 साल के जो भी बच्चे हैं उनका निकालने के लिए चाइल्ड डोज लिखे, अडल्ट इन ईयर, एज इन ईयर फिर डिवाइडेड बाय 20 इनटू अडल्ट डोज। इसमें क्या था, एज इन ईयर प्लस एज प्लस 12 इनटू 100। इतना समझ में आया, ये क्या है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन समझ लिए। पहला कौन सा, फ्राइड फार्मूला, दूसरा यंग्स फार्मूला और तीसरा डीलिंग फार्मूला। ये तीन फार्मूला तो याद ही करना पड़ेगा, ये 2 मार्क्स का पूछता ही पूछता है हमेशा। ये तो अगर वाइवा होता तो उस टाइम पे भी टीचर लोग पूछ लेते हैं। फिर हम लोग ये कैसा एज में देख लिए, अब हम लोग वेट में देखते हैं, अगर वेट में करना रहेगा तो हम लोग कैसे देखते हैं। वेट का ज़्यादा नहीं, एक ही देखते हैं। क्लार्क्स फॉर्मूला, क्लार्क्स फॉर्मूला इसमें क्या होता बताया, जो चाइल्ड डोज है हाँ, इसमें बॉडी वेट इन केजी, बॉडी वेट इन केजी डिवाइडेड बाय 70 इनटू अडल्ट डोज। बॉडी वेट इन केजी, बॉडी वेट किस में देखेंगे, केजी में डिवाइडेड बाय 70 इनटू अडल्ट डोज। बॉडी वेट कितना, केजी में इनटू 70 डिवाइडेड बाय अडल्ट डोज, जो आएगा वो हो जाएगा। इतना समझे, ये हो जाएगा इसका आंसर चाइल्ड डोज का। बॉडी वेट ये एक ऐसा बॉडी वेट में है, और बाकी कौन सा था वो एज में था। बॉडी वेट का भी कैलकुलेशन हम लोग निकाल लिए, और बॉडी वेट का और हम लोग एज का भी निकाल लिए। इतना समझ में आया, पोसोलॉजी समझो, पोसोलॉजी मतलब जो डोज का जो कैलकुलेशन होता है, डोज कैसे देना है क्या करना है पूरा उसी के बारे में पोसोलॉजी पूरा रहता है। डोज कैलकुलेशन को हम लोग पोसोलॉजी बोलते हैं। होप यू अंडरस्टूड, विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।